हेलो गाइस, माय नेम इज संतू एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन रन टिल दैट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया 20 किलोमीटर रेस वॉक वुमेन्स में कैसा प्रदर्शन किया। आज के इस 20 किलोमीटर वुमेन्स रेस वॉक में इंडिया के दो पार्टिसिपेंट्स टोक्यो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक थी प्रियंका गोस्वामी एंड सेकेंड में थी भावना जाट रिप्रेजेंट कर रही थी। पहला 3 किलोमीटर वो बहुत अच्छे से क्या थे भागी। पहले 3 किलोमीटर में वो 6 पोजिशन पर थी, फिर देन जब 5 किलोमीटर हुआ तो वो 4th पोजीशन पे आ गई। तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई इंडियन है वो जो लीड कर रहा है। सामने को जो पैक बोलते हैं ना, वो रनर वॉकर्स लोग जो वॉक करते हैं, वो पैक के वो झुंड में वो चलते जा रही थी। 5 किलोमीटर तक वो 4th पोजीशन पे थी। देन जब 7 किलोमीटर हुआ तो वो तब पर भी वो अपना वही पेस बना के रखी, वो 4th पोजीशन वो अपना वहीं पर बना के रखी। देन जब मैंने बाद में देखा कि जब 13 किलोमीटर हो रहा था तो वो धीरे धीरे पीछे चलने लगी, तो क्या था उसका पेस इतना ह्यूमिड कंडीशन था, बहुत ही गर्मी ज़्यादा थी। फिर बाद में आप देख रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा तो देखते होंगे कि क्या थे बहुत सारा पानी पी रहे थे, अपने बॉडी में फ्लूइड डाल रहे थे ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। बट इट कुडंट वर्क फॉर देम एज इट वॉज़ द रियल टोक्यो सिटी। फिर क्या हुआ कि जब 7 किलोमीटर बाकी था तो वो तो पीछे चल रही थी, लेकिन जब आगे हुई जब 5 किलोमीटर बाकी था तो तब वो 13 किलोमीटर पे धीरे धीरे मैंने देखा कि वो 15 पोजीशन पे लुढ़क गई। फिर जब 6 किलोमीटर बाकी था तब पर भी अपना वही पोजीशन बना के रखी। फिर बाद में जब 5 किलोमीटर बाकी था तो लास्ट पोजीशन मैंने देखा था उसका, तब पर भी वो 15 पोजीशन पे थी। फिर बाद में तो पोजीशन ही दिखाना बंद कर दिया, शायद और पीछे चली गई होगी। लेकिन बाद में हम भावना जाट को कैसे भूल गए। वो भावना जाट क्या थे, अच्छा थोड़ा फॉर्म में नहीं दिखी मेरे को लगता है, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। जब मैं देखा उनको 13th, जब 13 किलोमीटर हो चुके थे तो दिखाया गया था 27 पोजीशन पे थे। कमेंटेटर्स लोग बोल रहे थे भावना जाट इज वॉकिंग ऑन द 27 पोजीशन, तो देखा मैंने 27 पे पोजीशन पे थी, वे बहुत पीछे। ये तो अब क्या बोल सकते हैं, का फॉर्म इतना गर्मी है, अब क्या बोले, इतना हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, वी कैन से नथिंग टू दिस क्लाइमेटिक कंडीशन। तो फिर क्या थे लास्ट में जब ये पूरा फिनिश हो गया तो अपना ये प्रियंका गोस्वामी हैड फिनिश एट द 17th स्पॉट। इट वॉज अ गुड फॉर हर एज इन द मेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉक संदीप कुमार हु ट्राइड हिज बेस्ट एंड पुट हिज ऑल एफर्ट बट ही कुडेंट फिनिश इन द टॉप 10s और टॉप 20s, ही फिनिशेस एज 23rd। लेकिन ये प्रियंका गोस्वामी ने अपने पूरा जी जान लगा दिया, लेकिन वहाँ के वेदर कंडीशन पूरा बिगाड़ दिया, सबकी वाट लगा दी। अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने 17th पोजिशन हासिल किया विद द टाइमिंग ऑफ 1 hour 32 minutes एंड समथिंग सेकेंड इट वॉज। देन हम भावना जट के बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने शायद 36 पोजीशन पे फिनिश किया। मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। उनका टाइमिंग था 1.37 minutes एंड समथिंग सेकेंड। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट 20 किलोमीटर वुमेन्स रेस वॉक हाईलाइट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड देन प्रेस द लाइक बटन। टिल देन आई विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लाइव एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एज टुमोरो इज द लास्ट डे यू कैन से इट।